एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 15th अक्टूबर के करंट अफेयर्स। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी स्टूडेंट्स डे, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, क्योंकि आज है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम आज के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे, उनकी थीम्स के बारे में बात करेंगे। देन आप लोगों के लिए काफ़ी सारे करेंट अफेयर्स हैं यहाँ पर। डिफेंस की न्यूज़ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो बहुत सारी हैं, उनको हम देखेंगे। लास्ट में होंगे रिवीजन क्वेश्चंस और फिर होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कॉमेंट सेक्शन में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल मतलब संडे जो होगा, तो संडे में शाम को 7 बजे जो हमारा बर्निंग इशू आता है ना Volume 2 पर, वहाँ पर मैं आपको नेशनल गेम्स सारे इफेक्ट के साथ कवर करा दूँगी विद एमसीक्यू, ठीक है। तो आप वहाँ से करेंट अफेयर्स के इस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे, ओके है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो कि हम 15th अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनका पूरा नाम अबुल फ़कीर ज़ैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम है, और इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। 2022 में आज के दिन हम 91st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे भारत के मिसाइल मैन और भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो भारत के ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं 2002 में। लोगों से इनको बड़ा जुड़ाव था, बड़ा अटैचमेंट था, इसलिए इन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2010 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कलाम जी का जो लव है स्टूडेंट के लिए, और वो हमेशा इंस्पायर करते थे स्टूडेंट को, डिफरेंट जगहों पर जाके इन्होंने लेक्चर्स भी दिए हैं, इसलिए यहाँ पे 2010 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करेंगे, ओके। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अभी तो जो कोविड का दौर था तो बस यही चल रहा था, बार बार हाथ धो, है ना, ये सब आपने देखा होगा। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस तरीके से आप हैंड वॉश करके, साबुन से हैंड वॉश करके इजी और इफ़ेक्टिव वे से बहुत सारे डिसीजेस को दूर रख सकते हैं और अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया गया था वो 2008 में किया गया था। इस साल जो थीम है वो है यूनाइटेड फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, जो है इस साल की थीम है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कल मिस आउट हो गया था, 14th अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूरोपियन यूनियन ने जो बिल पास किया था कि जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं सबके लिए सेम पोर्ट वाला चार्जर हो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ा कंसर्न बनी हुई है। हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट सारे जो है इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ समय आप इनको यूटिलाइज़ करते हो, उसके बाद आप इनको अलग कर देते हैं, उसके बाद इनका क्या होता है, ये बन जाते हैं ई वेस्ट। इसमें कई सारे मटेरियल या केमिकल यूज़ होते हैं, मर्करी यूज़ होता है, लेड यूज़ होता है, और ये सब बहुत पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ पे 14 अक्टूबर को लोगों को अवेयरनेस बताने के लिए, दिलाने के लिए इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2018 में की गई थी, किसके द्वारा, WEEE के द्वारा, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रिसाइकलिंग फोरम के द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने कहा था 2019 में कि लगभग 22 मिलियन टन हर साल जो है ई वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं पाया तो 29 मिलियन टन ई वेस्ट 2030 तक प्रोड्यूस किया जाएगा। 2022 का स्लोगन रखा गया है, रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, ये इस साल का स्लोगन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी हमारा SSC GA कोर्स परचेस करना चाहता है, आप सेपरेट अगर SSC ज्योग्राफी, SSC साइंस का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, हिस्ट्री का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, और या फिर आप Tier 1 की जो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है वो आप परचेस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दिवाली आ रही है, और दिवाली आने के साथ साथ एक एडिशनल डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, ये तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा सीन हो गया है।
तो यहाँ पे 15% एडिशनल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अगर आप लोग यूज़ करते हैं कोड पूजा 15। पूजा ऑब्वियसली मेरा नाम है और 15 एडिशनल डिस्काउंट है दिवाली का। तो अगर आप में से कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो परचम पे के एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट सेशन को। अच्छा हाँ, PDF कहाँ पर मिलेगी? तो परचम के टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और फटाफट एक बार लिंक को शेयर करना तो बनता ही है यार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पैनकेक स्लिच के बारे में। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने मार्शल आर्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सुने होंगे, राइट? तो इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है पैनकेक स्लिच, ठीक है। और इसे यूनेस्को ने 2019 में इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडोनेशिया शामिल भी किया था यूनेस्को की लिस्ट में। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने 6th एडिशन सीनियर एशियन पैनकेक स्लिट चैम्पियनशिप का आयोजन किया है श्रीनगर में। ये भारत के लिए बहुत एक नया फॉर्म है जिसको भारत में 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लगभग 150 एथलीट जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर आपसे केवल आर्ट एंड कल्चर में पूछ लिया जाए कि पैनकेक स्लिट क्या है, तो आप बोलेंगे इंडोनेशिया का एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, PM मोदी फ्लैग ऑफ 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन हिमाचल प्रदेश ऊना। अब यहाँ पे एक गिफ्ट मिला है हिमाचल प्रदेश को। यहाँ पे 4th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो क्या आप लोग जानते हैं कि पहले की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ कहाँ पे रन हो रही हैं, और वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसको किसने तैयार किया है या इसका पुराना नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूँ, ट्रेन 18 का जो आपने नाम सुना होगा, तो ट्रेन 18 का ही नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, जिसको जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। आइए हम इसके बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन विच ऑफ द स्टेट। तो किस राज्य में 4th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये 4th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि भारत में चलाई जा रही है, और ये दिल्ली से ऊना रेलवे स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पे चलाई जाएगी। हफ्ते में ये जो है वो 6 दिन चलाई जाएगी, वेनसडे को छोड़कर। इसके अलग अलग स्टॉप्स होंगे अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब एंड ऊना। इसके पहले जो लास्ट मंथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 3rd नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर से मुंबई के बीच में चलाया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था गांधीनगर से मुंबई। तो आपकी जो 3rd नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ चल रही है? गांधीनगर से मुंबई चल रही है। तो पहली और दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ चल रही है? तो पहली और दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है, पहली है आपकी नई दिल्ली से कटरा तक, नई दिल्ली से श्री जो आपका वैष्णो देवी टेम्पल है कटरा तक, वहाँ तक पहली चलती है। और दूसरा जो रूट है वो नई दिल्ली से वाराणसी तक है। तो आप देखिए, 4 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं। कौन कौन सी? दिल्ली से कटरा, दिल्ली से वाराणसी, फिर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश हो गई, और गांधीनगर से मुंबई हो गई। तो इन चारों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको पहले हम ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। एक सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है ये, जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। और पहले जो वंदे भारत ट्रेन थी उसे मैन्युफैक्चर किया गया था इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार किया गया था, जिसका कॉस्ट 100 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है ना। इसके अलावा यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है आने वाले 3 सालों में बनाई जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ख़ास बात वंदे भारत ट्रेन की है, इसके अंदर जो चेयर्स लगी हुई हैं, जो चेयर कार कोचेज हैं, और वो चेयर्स जो है 180 डिग्री तक रिवॉल्व हो सकती हैं। चलिए अगली बात करते हैं। ये तो पैसेंजर ट्रेन है जो कि इंसानों को ले जाएंगी, लेकिन इंसानों के अलावा माल की ढुलाई की ज़रूरत भी तो होती है, जो हमारी मालगाड़ियों की ज़रूरत भी तो होती है। तो यहाँ पे वंदे भारत बेस्ड फ्रेट सर्विस टू गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑन विच रूट। अब यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी हम वंदे भारत के अंतर्गत जो माल ढुलाई सेवा होती है ट्रेन की, वो शुरू करेंगे। और ये जो सर्विसेज हैं वो दिल्ली से मुंबई के बीच में शुरू की जाएगी, ठीक है, जो कि सुपर फास्ट स्पीड से पार्सल्स को कैरी कर सकेगी, जिसके अंदर कैपेसिटी 2
64 टन तक, मतलब एक कंटेनर की इतनी कैपेसिटी होगी। और ये इसमें जो रैक होंगे या फिर जो डोर होंगे वो ऑटोमेटिक डोर होंगे, दोनों तरफ स्लाइडर डोर्स यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जो रैक बनाए जाएंगे वो टेम्परेचर सेंसिटिव रैक भी बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही एडवांस तरीके से इसको तैयार किया जाएगा। अब शायद इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई इसको तैयार करेगी, अभी कुछ बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि बहुत जल्दी हम वंदे भारत बेस्ड फ्रिजेट सर्विसेज को शुरू करेंगे, माल ढुलाई सेवाओं को शुरू करेंगे। जो पहली ट्रेन होगी वो दिल्ली से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। केवल और केवल इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है। आइए, हिमाचल प्रदेश को एक तोहफा तो मिल गया है, अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक और स्कीम शुरू की गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च हिम कैट स्कीम टू हेल्प फार्मर्स। तो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा एक और स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है हिम कैट, जो कि इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। ऐसा पाया गया एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है हिमाचल प्रदेश में वो रेन फेड एरिया है। तो यहाँ पर किसानों को एंड टू एंड कनेक्टिविटी, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ड्रॉप जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो, इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स जो हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएंगी हिम कैट स्कीम में। और बोला जा रहा है कि मार्च 2024 तक लगभग 23,344 हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया में इस स्कीम को प्रोवाइड किया जाएगा। कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। चलिए, अगला एक इंडेक्स पब्लिश किया गया, उसके बारे में हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। दूसरा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कब से पब्लिश किया जा रहा है। तीसरा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कितनी कैटेगरी में पब्लिश किया जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। चलो, इन तीनों क्वेश्चंस के अब आंसर हम ढूंढ लेते हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसको 2018 में पहली रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। लास्ट ईयर कोविड के कारण इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया था। और 2018 और 19 का अगर डेटा उठाते हैं तो टॉप का राज्य कौन सा था, गुजरात टॉप नंबर पर था। ये इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि आपका राज्य कितना इफ़िशियंट है लॉजिस्टिक सर्विसेज में, और आप किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हो और इकोनॉमिक ग्रोथ में सहयोग करते हो। द इंडेक्स इज़ अ इंडिकेटर ऑफ इफ़िशियंट ऑफ लॉजिस्टिकल सर्विसेज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये जो इंडेक्स है वो तीन अलग अलग परफॉर्मेंस कैटेगरी में पब्लिश किया जाता है। एक होता है अचीवर कैटेगरी, इसमें वो राज्य और यूटी आते हैं जिन्होंने 90% का टारगेट अचीव किया हो। दूसरी होती है फास्ट मूवर कैटेगरी, इसमें वो राज्य और यूटी आते हैं जिनकी जो स्कोरिंग 80-90% तक रहता है। और थर्ड नंबर पर आते हैं एस्पायर्स स्टेट की कैटेगरी, जिसके जिनका जो एम होता है या गुड्स एक्सपोर्ट करने में उनका टारगेट जो है वो 80% से कम है फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से तीन कैटेगरी होती हैं। तो 15 राज्य और यूटी को यहाँ पर जो है अचीवर कैटेगरी में डाला गया है लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में, जिसमें सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। फास्ट मूवर में आपको यहाँ पे केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पौंडीचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा मिलेंगे। और 15 राज्य और यूटी जो हैं वो एस्पायर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तीन अलग अलग पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है, एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो कि CSIR और नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई है। एज पर द CSIR नीति आयोग रिपोर्ट, विच कंट्री बियर द हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू द लेड पॉइजनिंग। लेड, अच्छा, कुछ समय पहले जब हम थोड़े छोटे थे तो आपने सुना होगा कि मैगी को बैन कर दिया था कि मैगी में लेड है ऐसा करके, और फिर सब मार्केट में दूसरे नूडल्स आने लगे थे, यप्पी नूडल्स और ये और वो, ऐसा हुआ था ना, आप लोगों के समय ही हुआ होगा। ठीक है, तो लेड जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी ग्रोथ को, एक तो ग्रोथ के लिए हानिकारक होता है, दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, मेमोरी पावर रिड्यूस होती है। तो लेड जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो लेड है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। जैसे पुराने समय में जो पेंट के डब्बे होते थे, पेंट में जो है दीवारों पे जो दिवाली के समय पेंट करते हैं ना, उन्हीं पेंट के डब्बों में जो है पहले लेड का यूज़ किया जाता था। इनफैक्ट जो लो क्वालिटी के एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे सभी के घरों में एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, अगर वो एल्यूमिनियम का जो यूटेंसिल आपके घर में यूज़ हो रहा है बर्तन, अगर वो लो क्वालिटी का एल्यूमिनियम है तो उसमें भी लेड मिला होता है ना। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से जो लेड है वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, और कई सारे खाने के प्रोडक्ट में भी लेड आपको मिलता है।
ठीक है, जिसके कारण फिर उन प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, फसाई के द्वारा। चलिए आएंगे बात करते हैं, तो इंडिया यहाँ पे टॉप नंबर पे है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट हेल्थ और इकोनॉमिक बर्डन जो है लेड पॉइजनिंग का, वो किस पे है? इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल पाया गया है। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की, उसमें और यूनिसेफ और प्योर अर्थ के द्वारा जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, उसमें कहा गया था कि इंडिया के लगभग 800 मिलियन बच्चे जो हैं वो पॉइजन हैं लेड से। ठीक है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई थी। तो लेड के काफ़ी ड्रॉबैक होते हैं, तो हमें इस रिपोर्ट से ये पता चला है। ओके है, चलिए। अच्छा, कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, ऐसा सुना था आप लोगों ने। मध्य प्रदेश ने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है हम हिंदी में करवाएं। अब यहाँ पे MBBS मतलब आप डॉक्टर भी बन सकते हैं हिंदी में पढ़ाई करके। ठीक है, तो MBBS की बुक्स जो हैं वो हिंदी में अब आ रही हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन रहा है? मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च द फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स? तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, किस राज्य में 16 अक्टूबर को पहली बार फर्स्ट ईयर के लिए MBBS के स्टूडेंट के लिए हिंदी में बुक को लॉन्च करने वाले हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 3 बुक को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा जो MBBS की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराएगा। आई डोंट नो इसका कितना बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ, हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, शाह विल लॉन्च 3 MBBS सिलेबस बुक फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, जो कि इनिशियल लर्निंग मेडिकल साइंस के लिए होगा हिंदी में। 16 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली जो कमेटी बैठी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें कहा गया था कि जो हमारी हायर एजुकेशन होती हैं उसकी बुक हिंदी में पब्लिश की जाए, जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड गुजरात। इसके अलावा जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें बुक को पब्लिश कराया जाए। इस तरीके से पार्लियामेंट की जो कमेटी बैठी थी उस मीटिंग में ये बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फीफा इनिशिएटिव फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव? तो फुटबॉल फॉर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल, तो पहली बार फीफा इस तरीके का प्रोग्राम फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, वो भी स्कूल लेवल पे लॉन्च कर रहा है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द फीफा इन ओडिशा इन पार्टनरशिप विद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री सभी को पता है नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं और कैपिटल भुवनेश्वर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिम्पोजियम 2022 इन न्यू दिल्ली? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 को नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। इस तरीके का ये पहला इस तरीके की कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी हो रही है। तो हमारा जो यूनियन मिनिस्टर संभालते हैं, यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, बाडा और नाडा इन दोनों के द्वारा मिलकर नई दिल्ली में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिम्पोजियम समिट ऑर्गेनाइज किया गया, संगोष्ठी को ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो वो लोग खाने की जांच करेंगे, खाने में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और एथलीट को भी प्रोवाइड करेंगी। इसमें ये भी MOU साइन किया गया है। अगर हम बाडा की बात करते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मॉन्ट्रियल जो कि कैनेडा में है, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। 10th ऑफ नवंबर 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका एक ही पर्पस है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो क्रैग रेडी हैं। अगर हम नाडा की बात करते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। 24th ऑफ नवंबर 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट मतलब अनुराग ठाकुर जी अभी इसके चेयरमैन हो जाएंगे, और इसका एफिलिएशन किससे है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से है। तो बाडा और नाडा दोनों का एक ही पर्पस है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और नए सुपर कंप्यूटर के बारे में।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कामरूपा, परम कामरूपा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सुपर कंप्यूटर है। इस फैसिलिटी को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? IIT गुवाहाटी में। किसने? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, जिससे इस फैसिलिटी का यूज़ करके डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो वेदर की फील्ड हो, क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी फील्ड में जो है वो रिसर्च को और पॉसिबल बनाएगा फॉर द स्टूडेंट। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत ही जो परम कामरूपा है, परम कामरूपा को तैयार किया गया है और IIT गुवाहाटी में से इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी, जिसका नाम है समीर, उसका उद्घाटन भी किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब दो तीन एक्सरसाइज देखते हैं हम यहाँ पर। पहला है CERTIN, इसका मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एंड पावर CSIRT, मतलब पावर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर। तो यहाँ पे CERT और CSIRT के द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है पावर एक्स 2022 को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, पावर एक्स एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और पावर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर, इन दोनों के द्वारा मिलके पावर एक्स जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट कराया गया है फॉर IT एंड OT सिस्टम, जिसकी थीम है डिफेंडिंग साइबर इंडक्ट डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगली एक्सरसाइज के बारे में या फिर अगले MOU के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडो US वैक्सीन एक्सटेंड प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट एक्सटेंडेड टिल 2027। अच्छा, देखिएगा, ये घटना है जुलाई 1987 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिसीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड USA के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम दोनों देश मिलके हैं जो नई नई वैक्सीन बनाएंगे, उनके बीच में टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, जिससे हम वैक्सीन का जो फ्यूचर है वो बहुत एडवांस कर सकें। तो इस तरीके से ये MOU साइन किया गया था। अब इस MOU को जो है वो फर्दर 5 ईयर के लिए 2027 तक एक्सटेंड किया गया है। द प्रेजेंट 5 ईयर इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2027। ओके है, चलिए अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इब समर या फिर IBSAMAR। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कब हुई, कहाँ हुई, कौन सा एडिशन था, किन देशों के बीच में हुआ और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, यही क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो IB समर या IBSAMAR एक्सरसाइज है, इसका रिसेंटली 7th नंबर का एडिशन हुआ। कहाँ पर? पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में। यहाँ ये एक बेसिकली नेवी एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवी एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, कौन कौन सी? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। देखो, EBSA का मतलब है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, MAR का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाली एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, जिसका 7th एडिशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, पोर्ट एलिजाबेथ में, जिसमें भारत की तरफ से INS तर्कश, इसके अलावा INS तर्कश के अलावा हमारा जो हेलीकॉप्टर चेतक है उसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लास्ट जो एक्सरसाइज हुई थी, लास्ट जो एडिशन हुआ था 6th नंबर का, वो कहाँ पे हुआ था? वो भी साउथ अफ्रीका में 1st to 13th October 2018 में हुआ था। तो आपको इस एक्सरसाइज के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलो अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। प्रस्थान, ईस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, जिसका नाम है प्रस्थान। ये 11 और 12 अक्टूबर को कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन है, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, जिसका नाम है प्रस्थान। हर 6 महीने में होने वाली एक एक्सरसाइज है बेसिकली ये।
है ना, जो कि डिफेंस के लिए की जाती है। अगर हम अपने नेवल कमांड के बारे में बात करें तो भारत में टोटल 3 नेवल कमांड हैं। भारत में टोटल कितने नेवल कमांड हैं? 3 हैं। एक है ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेड ऑफिस आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा। दूसरा है वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में मिलेगा। और फिर है सदर्न नेवल कमांड, जिसका हेड ऑफिस आपको कोच्ची में देखने को मिलेगा। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको दिमाग में याद रखेंगे कि भारत में 3 नेवल कमांड सिचुएटेड हैं। अगली बात कर लेते हैं द रैंकिंग 2023, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। दा का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 को पब्लिश किया गया है और टॉप 300 इंस्टीट्यूट में भारत का केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो IISc बेंगलुरु रिटेन इट्स स्पॉट इन द 2023 दी रैंकिंग। IISc बेंगलुरु का जो है इंस्टीट्यूट, उसने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 में अपनी पोजीशन को टॉप 300 में बना के रखा है। और टॉप 1 पे इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट चल रहा है? IISc बेंगलुरु चल रहा है। भारत का एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 300 में शामिल है। ठीक है, और अगर ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं भारत की, तो ये 6 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है पूरी लिस्ट में। ठीक है, अगर दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करते तो IIT रोपर की जो रैंकिंग है वो 501 से 600 के बीच में है। IIT इंदौर 600 से 800 के बीच में है। IIT गांधीनगर 800 से 1000 के बीच में है, जिससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है फिलहाल। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसने टॉप किया है लगातार 7वीं बार। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक मुद्दा है यहाँ पे, उस मुद्दे को समझते हैं। ये मैप पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। ये जो दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है, जिसको आप भूमध्य सागर कहते हैं, राइट। इस भूमध्य सागर में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है इज़राइल। ठीक है, ये कैपिटल तेल अवीव आपको दिख रही है, और एक और कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम बेसिकली अभी एक्चुअल कैपिटल मानी जाती है, ये जेरूसलम हो गया, पहले तेल अवीव था, ये इज़राइल है। इज़राइल के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर है लेबनान, ठीक है ना, बेरूत जिसकी कैपिटल है। तो ये लेबनान और इज़राइल दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो सीरिया और इज़राइल के बीच में ये गोल्डन हाइट्स है, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड रही है। ये आपका गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे भी हमेशा फायरिंग होती रहती है, तभी तो आयरन डोम जो है वो बनाया है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है, ले देखिए ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला एरिया है, हमेशा झगड़ों में रहता है, कभी गाजा पट्टी, कभी वेस्ट बैंक, कभी गोल्डन हाइट, है ना, कभी इज़राइल, कभी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है। अब यहाँ पे बात हो रही दो देशों के बारे में, एक इज़राइल है और एक लेबनान है। दोनों की जो बाउंड्री है आप देखेंगे मेडिटेरियन सी के साथ लगती है, और समुद्र में यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है मेडिटेरियन सी का, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन लेबनान और इज़राइल। और ख़ास बात पता है यहाँ पे, ये जो एरिया है ये नेचुरल गैसेस के लिए बड़ा ही खास है, नेचुरल गैसेस के लिए बड़ा ही खास है। तो इज़राइल भी क्लेम करता है और लेबनान भी क्लेम करता है। आइए हम इस एरिया के ऊपर चर्चा करेंगे। एरिया क्लियर हो गया आपको, आगे बात करते हैं। इज़राइल एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू रिजॉल्व अ डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट ओवर द कंट्रोल ऑन ईस्टर्न स्ट्रेच ऑफ मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर जो दशकों से विवाद चला आ रहा है, उसको सुलझाने के लिए इज़राइल और कौन से देश सहमत हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इज़राइल और लेबनान यहाँ पर सहमत हुए हैं इस मेडिटेरियन जो सी है उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये डिस्प्यूट 2011 से दोनों देशों के बीच में बाउंड्रीज़ के ओवरलैपिंग को लेके चल रहा है, और यूनाइटेड नेशन टेक्निकली कहता है कि ये दोनों देश जो है वो टेक्निकली वॉर में है, क्योंकि इनके बीच में ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पर अब दोनों देश इस मैटर को सुलझाने के लिए सामने आए हैं। साथ ही साथ ये जो एरिया है वो नेचुरल गैसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए हम मैप में थोड़ा सा और समझते हैं। ये मैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक ये है करिश गैस फील्ड और ये है क्वाना गैस फील्ड, और ये गैस फील्ड है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ लाइन है। पहली लाइन है लाइन वन, यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ है ना, ये जो पॉइंट है लाइन वन, लाइन वन जो है वो रजिस्टर करता है इज़राइल विद द UN, है ना, कि ये यहाँ तक इज़राइल की बाउंड्री है, ऐसा इज़राइल कहता है। फिर हर कहीं आग कौन लगाता है? USA। हर कहीं जहाँ भी आप बाउंड्री डिस्प्यूट देखोगे ना, तो USA ने वहाँ पे आग लगाई है। USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, हमेशा यहाँ पे डिस्प्यूट के मामले में हमेशा वो आग लगाते हैं। तो अगले जो लाइन है वो है हॉफ लाइन, अगली जो लाइन है H जहाँ पे लिखा है, ये है हॉफ लाइन। जब USA के एम्बेसडर थे फेडरिक हॉफ, उनके द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया गया था।
फिर है लाइन 23। लाइन 23 को लेबनान ने ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ यूएन, तो लेबनान इस लाइन को मानता है लाइन 23। लेकिन जब लाइन 23 में बोला गया कि इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो लाइन 29 को इसराइल ने, लेबनान ने वापस ड्रॉ किया था। तो अभी लेबनान जो है वो लाइन 29 को मानता है और इसराइल जो है वो लाइन ए को मानता है, तो बीच का जो एरिया हो गया वो क्या होगा, ऑब्वियसली विवादित होगा कि हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है। तो इसलिए दोनों देश अब जो हैं वो सलाह मशवरा करने के लिए सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी सेकल है, प्रेसिडेंट आइजिक हर्जोंग हैं, प्राइम मिनिस्टर ईआर लिपिज हैं, लेबनान की कैपिटल बेरूत है और यहाँ पे पाउंड करेंसी चलती है, माइकल ओन प्रेसिडेंट हैं और नजीब मिकेती प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आगे बात कर लें, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप कंट्री। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए जो IPU है, मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अपराजिता सारंगी, जो कि इंडिया से हैं, इंडिया के उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, लोकसभा की MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम उड़ीसा, और इन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए चुना गया है। और यहाँ पे 18 जो अवेलेबल बोट्स थे उनमें से 12 बोट जो है वो सारंगी को मिले थे। कहाँ पर? किगाली रवांडा में ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। सारंगी विल रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द यूनियन। अगर हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में बात करते हैं तो 1889 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड ऑफिस है और सबीर हुसैन चौधरी इसके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद हम रिविजन क्वेश्चन देखेंगे। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन रिसेंटली फिनिश हुई है। इंडिया ने यहाँ पे, इंडिया की जो रैंकिंग आई है मेडल टैली में, वो 5th नंबर पर आई है। इंडिया को एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रोंज मेडल, मतलब टोटल 4 मेडल इंडिया को यहाँ पे ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में शॉटगन में मिले हैं। टॉप पर देखें तो टॉप पर कौन कौन है? टॉप पर 3 देश हैं, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और USA। ये टॉप 3 नेशन हैं, इटली, ग्रेट ब्रिटेन एंड USA टॉप पे हैं। भारत की रैंकिंग 5वें नंबर पे है। भारत को टोटल 4 मेडल मिले हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन में। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब रिविजन क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर स्लेंडर लॉरिस टू बी सेटअप इन विच कंट्री, सॉरी इन विच स्टेट, कंट्री ऑब्वियसली इंडिया, कहाँ पे इंडिया की पहले स्टेट में इस सेंचुरी को सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर। तो 4th हेली समिट, इंडिया समिट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? श्रीनगर में। किसने किया? ज्योति आदित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। कल मैंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया था, WWF ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वॉट इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट लॉन्च टू इनेबल सिटीजन टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर आर्म फोर्स बैटल कॉजिलिटीज वेलफेयर फंड। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा कौन सा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे माँ भारती के सपूत, ऑप्शन डी। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, CRI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? CRI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? अगर आपको टॉप कौन ने किया है वो भी याद हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।